एनसीपी से दो बार विधायक रह चुके कमलेश सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रांची के बीजेपी कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और बीजेपी चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी का पट्टा पहना करके कमलेश सिंह और उनके समर्थकों को पार्टी में शामिल किया है। इस दौरान असम के सीएम सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, अब हम लोगों का चुनाव में जाने का समय आ चुका है, जल्द ही चुनाव की घोषणा होने वाली है, नए पुराने कार्यकर्ता सभी को पार्टी को मजबूत करना है, कमलेश सिंह के आने से बीजेपी मजबूत होगी। तो वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद विधायक कमलेश सिंह ने कहा, मेरी विचारधारा पहले से ही बीजेपी के प्रति रही है। कमलेश सिंह जी एनडीए परिवार का सदस्य रहा और हमारे जो झारखंड चुनाव का आकलन, उस आकलन में हमें लगा कि कमलेश सिंह जी को बीजेपी में आना चाहिए और हम एनसीपी का नेतागणों से भी बात किया, सारे लोगों से बात किया और एक अच्छा एटमॉस्फेयर में, एक अच्छा परिवेश में कमलेश सिंह जी हमारे पार्टी में ज्वाइनिंग किया। आगे का क्या होगा क्या नहीं होगा समय का साथ आपको पता या खबर मिलते रहेगा, लेकिन आज हमारे लिए, परिवार के लिए एक अच्छा बात है कि हुसैनाबाद का सिटिंग एमएलए कमलेश सिंह जी हमारा पार्टी में योगदान किया, मैं उनको हार्दिक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने में हम अपने आप को गौरवान्वित करते हैं। हमारे पास बहुत सारे और जो स्थिति झारखंड की बनी हुई है विगत 5 साल में, तो 5 साल में जनता झारखंड का त्राहिमाम कर दिया है, गरीबों का जो घर टूटा गया, आपका बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रोत्साहन किया गया और भी कई मुद्दे हैं, झूठ मूठ। अभी जब चुनाव आया तो अबुआ आवास आई मैया आवास कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, केवल यह लूट का बाजार है। इसलिए बहुत कुछ देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो झारखंड की गिरी हुई व्यवस्था को, गरीबों का हक को दिलाने का काम करेगा, बेरोजगार न पड़े। यहां पर एनसीपी से दो बार विधायक रह चुके कमलेश सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रांची के बीजेपी कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और बीजेपी चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी का पट्टा पहना करके कमलेश सिंह और उनके समर्थकों को पार्टी में शामिल किया है। इस दौरान असम के सीएम सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, अब हम लोगों का चुनाव में जाने का समय आ चुका है, जल्द ही चुनाव की घोषणा होने वाली है, नए पुराने कार्यकर्ता सभी को पार्टी को मजबूत करना है, कमलेश सिंह के आने से बीजेपी मजबूत होगी। तो वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद विधायक कमलेश सिंह ने कहा, मेरी विचारधारा पहले से ही बीजेपी के प्रति रही है। कमलेश सिंह जी एनडीए परिवार का सदस्य रहा और हमारे जो झारखंड चुनाव का आकलन, उस आकलन में हमें लगा कि कमलेश सिंह जी को बीजेपी में आना चाहिए और हम एनसीपी का नेतागणों से भी बात किया, सारे लोगों से बात किया और एक अच्छा एटमॉस्फेयर में, एक अच्छा परिवेश में कमलेश सिंह जी हमारे पार्टी में ज्वाइनिंग किया। आगे का क्या होगा क्या नहीं होगा समय का साथ आपको पता या खबर मिलते रहेगा, लेकिन आज हमारे लिए, परिवार के लिए एक अच्छा बात है कि हुसैनाबाद का सिटिंग एमएलए कमलेश सिंह जी हमारा पार्टी में योगदान किया, मैं उनको हार्दिक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने में हम अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित करते हैं। हमारे पास बहुत सारे पार्टी और जो स्थिति झारखंड की बनी हुई है विगत 5 साल में, तो 5 साल में जनता झारखंड का त्राहिमाम कर दिया है, गरीबों का जो घर टूटा गया, आपका बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रोत्साहन किया गया और भी कई मुद्दे हैं, झूठ मूठ। अभी जब चुनाव आया तो अबुआ आवास आई मैया आवास कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, केवल यह लूट का बाजार है। इसलिए बहुत कुछ देखते हुए हमने निर्णय लिया है
कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो झारखंड की गिरी हुई विधि व्यवस्था को, गरीबों का हक को दिलाने का काम करेगा, बेरोजगार पर एनसीपी से दो बार विधायक रह चुके कमलेश सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रांची के बीजेपी कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और बीजेपी चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी का पट्टा पहना करके कमलेश सिंह और उनके समर्थकों को पार्टी में शामिल किया है। इस दौरान असम के सीएम सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, अब हम लोगों का चुनाव में जाने का समय आ चुका है, जल्द ही चुनाव की घोषणा होने वाली है, नए पुराने कार्यकर्ता सभी को पार्टी को मजबूत करना है, कमलेश सिंह के आने से बीजेपी मजबूत होगी। तो वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद विधायक कमलेश सिंह ने कहा, मेरी विचारधारा पहले से ही बीजेपी के प्रति रही है। कमलेश सिंह जी एनडीए परिवार का सदस्य रहा और हमारे जो झारखंड चुनाव का आकलन, उस आकलन में हमें लगा कि कमलेश सिंह जी को बीजेपी में आना चाहिए और हम एनसीपी का नेतागणों से भी बात किया, सारे लोगों से बात किया और एक अच्छा एटमॉस्फेयर में, एक अच्छा परिवेश में कमलेश सिंह जी हमारे पार्टी में ज्वाइनिंग किया। आगे का क्या होगा क्या नहीं होगा समय का साथ आपको पता या खबर मिलते रहेगा, लेकिन आज हमारे लिए, परिवार के लिए एक अच्छा बात है कि हुसैनाबाद का सिटिंग एमएलए कमलेश सिंह जी हमारा पार्टी में योगदान किया, मैं उनको हार्दिक। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने में हम अपने आप को गौरवान्वित करते हैं, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी और जो स्थिति झारखंड की बनी हुई है विगत 5 साल में, तो 5 साल में जनता झारखंड का त्राहिमाम कर दिया है, गरीबों का जो घर टूटा गया, आपका बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रोत्साहन किया गया और भी कई मुद्दे हैं, झूठ मूठ। अभी जब चुनाव आया तो अबुआ वास आई, मैया वास कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, केवल यह लूट का बाजार है। इसलिए बहुत कुछ देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो झारखंड की गिरी हुई विधि व्यवस्था को, गरीबों का हक को दिलाने। यहाँ पर एनसीपी से दो बार विधायक रह चुके कमलेश सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रांची के बीजेपी कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और बीजेपी चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी का पट्टा पहना करके कमलेश सिंह और उनके समर्थकों को पार्टी में शामिल किया है। इस दौरान असम के सीएम सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, अब हम लोगों का चुनाव में जाने का समय आ चुका है, जल्द ही चुनाव की घोषणा होने वाली है, नए पुराने कार्यकर्ता सभी को पार्टी को मजबूत करना है, कमलेश सिंह के आने से बीजेपी मजबूत होगी। तो वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद विधायक कमलेश सिंह ने कहा, मेरी विचारधारा पहले से ही बीजेपी के प्रति रही है। कमलेश सिंह जी एनडीए परिवार का सदस्य रहा और हमारे जो झारखंड चुनाव का आकलन, उस आकलन में हमें लगा कि कमलेश सिंह जी को बीजेपी में आना चाहिए और हम एनसीपी का नेतागणों से भी बात किया, सारे लोगों से बात किया और एक अच्छा एटमॉस्फेयर में, एक अच्छा परिवेश में कमलेश सिंह जी हमारे पार्टी में ज्वाइनिंग किया। आगे का क्या होगा क्या नहीं होगा समय का साथ आपको पता या खबर मिलते रहेगा, लेकिन आज हमारे लिए, परिवार के लिए एक अच्छा बात है कि हुसैनाबाद का सिटिंग एमएलए कमलेश सिंह जी हमारा पार्टी में योगदान किया, मैं उनको हार्दिक। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने में हम अपने आप को गौरवान्वित करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने में हम अपने आप को और जो स्थिति झारखंड की बनी हुई है विगत 5 साल में, तो 5 साल में जनता झारखंड का त्राहिमाम कर दिया है, गरीबों का जो घर टूटा गया, आपका बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रोत्साहन किया गया और भी कई मुद्दे हैं, झूठ मूठ। अभी जब चुनाव आया तो अबुआ वास आई,
मैया वास कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, केवल यह लूट का बाजार है। इसलिए बहुत कुछ देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो झारखंड की गिरी हुई व्यवस्था को, गरीबों का हक को दिलाने का काम करेगा, बेरोजगार।